हम राकेश फाइव स्टार किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हम पोहा मसाला बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये चूड़ा ले रखा है, एक कटोरी हमने प्याज काट रखा है और एक कटोरी हमने टमाटर काट रखा, तीन हमने मिर्ची काट ली है, ये हमने पीनट ले रखा है। पोहा मसाला बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले रखी है। अब कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम चूरे को फ्राई करेंगे। चूरा फ्राई करके हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब पोहा मसाला के लिए हम एक कटोरी प्याज डालेंगे। एक कटोरी हम टमाटर डाल लेंगे, काट के बारीक काट रखा। इसमें हम पीनट डाल रहे हैं। हमने मिर्ची काटा है, मिर्ची डाल रहे हैं इसमें। थोड़ी सी धनिया डालें। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। छोटे चम्मच से एक चम्मच चाट मसाला डालना है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच काला नमक डालना है, छोटे चम्मच से एक चम्मच सादा नमक डालें, नमक स्वाद अनुसार डालें, छोटे चम्मच से आधा चम्मच काली मिर्च डालें। अब हम इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छी तरह से। पोहा मसाले को एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। पोहा मसाला तैयार हो गया है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी जरूर दबाइए जो आप सब तक हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।